मुजफ्फराबाद में एम डी कैट तुलबा का सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज, मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। मेडिकल के तुलबा के साथ एंटी टेस्ट में नाइंसाफी की गई है, ऐसा कहना है मेडिकल के तुलबा का। मेडिकल के तुलबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वजारत हायर एजुकेशन और सेक्टरी हायर एजुकेशन का घिराव करेंगे। पी एम डी सी ने तुलबा से फी तालबे इल्म से 8,000 फीस कीमत में वसूल करके इम्तहान लिया, मगर नतीजा इंतहाई मायूस कन रहा। तुलबा के अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने के बावजूद ताहाल कोई मुमकिन हल ना निकल सका। पी एम डी सी के साथ टेस्ट लेने का मुआहदा था, मगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल कायल करके तुलबा के साथ नाइंसाफी की है। रिजल्ट की जाँच पड़ताल के बाद 31 सवाल बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स निकले। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 6 ग्रेस मार्क्स देने का अहद किया गया था। हमारा जो पहला मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर चारों स्कूलों की यूनिवर्सिटीज़ कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ अगर विद इन दी सिक्स आवर्स अगर वो की और पेपर विद इन दी टाइम अपलोड कर सकते हैं तो पाकिस्तान का जो कैपिटल इस्लामाबाद की सब यूनिवर्सिटी है वो उसकी इंतजामियत इतना अहल क्यों है। अगर तुलबा और तलबात को ग्रेस कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एम डी कैट के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे में एम डी कैट के इम्तहान में इल्ज़ाम आयद किया कि एम डी कैट ने इम्तहान में निसाब से हट कर सवालात दिए। इनका कहना था कि सवालात निसाब से बलातर थे, अपलोड करने वाले की भी गलती थी, मार्किंग में दुरुस्त जवाबात के नंबर भी नहीं दिए गए। एम डी कैट के मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हुए कहा कि की को दुरुस्त किया जाए। मेरिट को बहाल किया जाए, उन्होंने कहा कि अगर मुतालबा मंजूर हैं दोबारा पेपर लिया जाए। एम डी कैट तुलबा इस मौके पर मरकजी सदर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ख्वाजा मुश्तबा बांडे, सिजाद रशीद, सदाम वानी, मोहम्मद सफ़ीर, रब नवाज अफरीदी, फरमान फारूक, सिजाद मलक, खिजर हयात अवान, मारिया शफी, ख्वाजा जवेरिया दीगर ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो वज़ीर आज़म सेक्रेटरी की तरफ मार्च करेंगे।